हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग रेसिपी लेके आई हूँ। कॉर्न और शिमला मिर्च से बनेगी ये, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और कॉर्न का सीजन है तो इस रेसिपी में आपको बहुत ही स्वाद मिलने वाला है। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च लिए हैं और 1 मैंने भुट्टे को लिया है, मैंने स्वीट कॉर्न को लिया है और 2 टमाटर लिया है। तो स्वीट कॉर्न के दानों को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है और शिमला मिर्च को भी हम बारीक बारीक टुकड़ों में थोड़े स्क्वायर शेप में काट लेंगे। और जो टमाटर लिया है हमने उसका बारीक पेस्ट बना लेना है हमें, मिक्सर जार में इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी टेम्पटिंग और कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए इस रेसिपी की ओर हम बढ़ते हैं। मैंने कढ़ाई में यहाँ पे 2 छोटे चम्मच तेल को ऐड किया है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने जीरा ऐड किया है। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी ही इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी जावित्री के फूल, दालचीनी और 1 इलायची ऐड किया। जब वो भी हमारा अच्छे से चटक जाए तो 1 मीडियम साइज़ का ओनियन लेंगे, उसे बारीक चॉप करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे और इसे करीबन 1 मिनट तक हमें भूनना है। तब तक हम मसालों की तैयारी करते हैं। तो टमाटर काट लिया मैंने, धनिया पत्ते को भी ऐड किया है और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लें और फाइन पेस्ट बना लें इसका मिक्सर जार में। तो हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका है, 1 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब बारी है इनमें जो हमने फाइन पेस्ट किया हुआ मसाला तैयार किया है उसको ऐड कर देने की। तो मसालों को हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीबन 2 मिनट तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो तेल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं मसालों में से तेल अच्छे से सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भून चुका है और हमने जो धनिया पत्ते को ऐड किया उसे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो अब बारी है इसमें मसालों को ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड किया है और 1.5 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर को ऐड किया और थोड़ी सी हम काले मिर्च के पाउडर को भी ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम करीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करें जिससे जो हमारे सूखे मसाले हैं वो जले नहीं। तो चलिए हम इनको भून लेते हैं और अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 कटोरी फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा और टेक्सचर मिलता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो मलाई ऐड करने के बाद हम फटाफट से इसको मिलाएंगे, नहीं तो हमारी जो मलाई है वो फट सकती है। मलाई को अच्छे से मिला लें और करीबन 2 मिनट तक अच्छे से भून लें आप। तो देखिए जो मलाई का घी था वो अच्छे से सेपरेट हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाले हमारे भुन गए हैं तो अब हम सब्जियों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च ऐड करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो हमारे कॉर्न हैं जिनको हमने निकाला है उसको भी ऐड कर देंगे और इन सबको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और अच्छे से भूनेंगे हम। 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से हमें भून लेना है ढक ढक कर। तो अब हम लीड हटा के चेक कर लेते हैं, हमारे मसाले और सब्जियां अच्छे से भून चुकी है। तो अब बारी है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने का क्योंकि हमारे जो शिमला मिर्च और कॉर्न है वो कुक हो जाए। तो 1 कटोरी के करीबन मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है और पानी को भी अच्छे से मिला लें और उसके बाद इसका लीड लगा के मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, मैक्सिमम 4 मिनट के लिए छोड़ दें आप। और ये देखिए जो सब्जी है वो अच्छे से उबल गई है, मैं बीच में चेक कर रही हूँ एक बार। इस तरीके से आप भी बीच बीच में चेक करते रहें और करीबन 1 मिनट के लिए और इसे हम इस तरीके से कुक होने देंगे क्योंकि शिमला मिर्च और कॉर्न को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है इसको। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी साइड डिश हो जाएगी आपकी, बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन हो जाता है रोटी पराठे के साथ। अब बहुत ही पसंद करने वाले इस रेसिपी को, तो इस रेसिपी को ट्राई करें, मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं।
मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।